लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में 43 उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें राजस्थान के जालौर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को उम्मीदवार बनाया। आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है वैभव गहलोत, 2 दिन के जालौर और सांचौर और सिरोही के दौरे पर थे हमारे साथ में। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो, आपको जालौर सिरोही से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया लोकसभा को। AICC के हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी, हमारे प्रभारी रंधावा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास व्यक्त किया। सर, लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि वैभव गहलोत जी जालौर से चुनाव लड़ेंगे, आप लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है जालौर सिरोही में? आपने लोगों से मुलाकात की है, 15 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो MP है वो चुनकर गए थे। देखिए, 15 साल जालौर सिरोही में भाजपा का सांसद रहा, मगर मैं जिस तरीके से मेरा चाहे विधानसभा चुनाव में आना हुआ, चाहे दूसरे मौक़ों पर जब भी मैं आया हूँ, लोगों ने यही एक फीडबैक दिया कि किस तरीके से यहाँ भाजपा का सांसद होने के बावजूद भी केंद्र में भाजपा की सरकार है 10 सालों से, मगर क्षेत्र का जिस तरीके से केंद्र की योजनाओं से जो लाभ मिलना चाहिए था, चाहे रेल कनेक्शन की बात करें, दूसरी चीज़ों की बात करें, वो यहाँ पे उस तरह का विकास नहीं हो पाया। आपके सामने क्या विजन रहेंगे, किस विजन को लेकर आप चुनाव प्रचार करें? निश्चित तौर पर तमाम कांग्रेसजनों के साथ मिल के, और जिस तरीके से पिछली कांग्रेस की जो सरकार थी राजस्थान में, उसकी जो शानदार योजनाएं थी, उसका हमको ज़रूर लाभ मिलेगा। और जो योजनाएं पिछली कांग्रेस सरकार ने रखी आम जन गरीब को, उसका निश्चित तौर पर कांग्रेस लाभ मिलेगा। सिरोही में और जालौर में लगातार आप दौरा कर रहे हैं, पदाधिकारियों से मिले, कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो खेमा बना हुआ है उसको लेकर भी आपके सामने समस्या आई है, उसको आप दुरुस्त कैसे करेंगे? मेरे सामने ऐसी कोई समस्या, सभी जन कांग्रेस जन एक। जालौर और सांचौर को जिस तरह जिला बनाया गया, राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई आपके साथ में ही है, लगातार आप सुबह से मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, सांचौर की जनता का किस तरह का प्यार मिल रहा है आपको? सांचौर को जिला बनाया ऐतिहासिक कदम था, और सांचौर में लंबे समय से मांग थी, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पे आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ विकास होगा, जिस तरीके से एक जिला बनने से जो फ़ायदा मिलेगा वो सांचौर इस जोग्राफिकली हम देखें तो सांचौर का जो एरिया है वो आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ से एक विकास की गंगा रहेगी, उसी को देखते हुए कांग्रेस ने यहाँ पे जिला बनाया। आगामी क्या कार्यक्रम रहेंगे, आपको टिकट तो मिल गई अभी, अभी आपके जयपुर जाने का प्रोग्राम है कल, लेकिन अभी आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? सभी लोगों से बातचीत करके, जैसे जैसे जो कार्यक्रम है, कल भी दौरा है, आने वाले दिनों में दौरा रहेगा। तो ये है वैभव गहलोत, जिन्होंने कहा है कि टिकट मिलने के बाद अपना अभियान जारी किया, उन्होंने कहा है कि मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ, और जो कल्याणकारी योजना थी अशोक गहलोत की, उसकी तरह पर हम यह चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर दिखाएंगे। नरेश मिश्र, स्वतंत्र जालौर।